नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्किल इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म के द वेक अप इंडिया शो पर। और मैं हूं बलराज सिंह। आज आप सबके सामने फिर से आया हूं नए टेंडर्स की जानकारी लेकर। कितने टेंडर लाइव है, क्या क्राइटेरिया है और आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये पेशकश आपके लिए। टेंडर नंबर वन आपके सामने स्क्रीन पर है, डिपार्टमेंट है उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि UKWDP। स्कीम का नाम है बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP इन प्रायोरिटी ITIs इन द उत्तराखंड। फीस नहीं है, PhD EMD भी नहीं है। लास्ट डेट है 2/9/2022 शाम को 5 बजे तक। क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी लीगल एंटिटी 5 साल की एग्जिस्टेंसेस के साथ इस टेंडर को अप्लाई कर सकती है। एवरेज एनुअल टर्नओवर मांगा गया है 5 करोड़ का। 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी PSU स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सिमिलर ERP में। कम से कम 50 एम्प्लॉइज पेरोल पर होने चाहिए और कहीं से ब्लैकलिस्टेड ना हो। इसके लिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको एफिडेविट देना होगा। दोस्तों, ऑफलाइन एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको इस टेंडर को भेजना होगा बाय हैंड स्पीड पोस्ट या कोरियर से। एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, इस एड्रेस पर आपको इसको शाम को 5 बजे तक 2 सितंबर 2022 से पहले भेजना होगा। टेंडर नंबर 2 आपके सामने है, डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्कीम का नाम है सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग वोकेशनल एजुकेशन इन 220 सेक्टर स्कूल अंडर गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल इन वेस्ट बंगाल। फीस नहीं है, EMD रखी गई है 1 लाख रुपए की और अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2022। क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी लीगल एंटिटी जो कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है वो भर सकती है, लेकिन 2 साल का एग्जिस्टेंस जरूरी है। इसके अलावा टर्नओवर मांगा गया है 2 करोड़ का और प्रायर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के 220 स्कूलों में हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 7 सेक्टर के अंदर ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी और इस प्रपोजल का जो सबमिशन मोड है वो ऑनलाइन रहेगा। लेकिन साथ ही एक बात मैं मेंशन कर दूं, आपके पास क्लास 2 या क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। जो लिंक हमने मेंशन किया है इस पर ऑनलाइन जाकर आप इस प्रपोजल को भर सकते हैं। टेंडर नंबर 3 आपके सामने है, डिपार्टमेंट का नाम है पंचायती राज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। स्कीम का नाम है कस्टम बिड फॉर सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। फीस नहीं है, EMD की बात करें तो दोस्तों 5% है इसके अंदर, जिसमें कि टोटल अप्रोक्स बनता है आपका 8,57,083 रुपये। लास्ट डेट है 29/8/2022 शाम को 3 बजे से पहले पहले आपको ये टेंडर भरना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी लीगल एंटिटी जो रजिस्टर्ड है भारत के अंदर वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन एवरेज एनुअल टर्नओवर मांगा गया है 3 सालों का 88 लाख का और पास्ट एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मोड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा जो बैंक गारंटी है वो आप DD फॉर्म में या FD फॉर्म में जमा कर सकते हैं। एक जो खास बात है दोस्तों वो ये है कि स्टार्टअप्स के लिए, MSC के लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं दिया गया है, ना टर्नओवर में ना ही एक्सपीरियंस में। इसके अलावा आपको टेक्निकल क्राइटेरिया के लिए 100 नंबर का मार्क्स मैट्रिक्स दिया जा रहा है, जिसमें से आपको 75 लेना जरूरी है। टेंडर नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों, डिपार्टमेंट का नाम है NSDC। NSDC का डिपार्टमेंट एजुकेशन इनिशिएटिव TOT एंड TOA इस टेंडर के लिए डिपार्टमेंट है। स्कीम का नाम है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर जन शिक्षण संस्थान JSS स्टाफ। फीस नहीं है, लास्ट डेट है 9 सितंबर 2022 शाम को 5 बजे तक। क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी जो कंपनीज एक्ट या सोसाइटी एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ऑफिस रखती है भारत में वो अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा एफिलिएशन होना चाहिए AICTE या UGC का या इसी की तरह किसी और गवर्नमेंट बॉडी का। एवरेज एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ का पिछले 3 सालों के लिए है। एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको दिखाना होगा 500 पीपल का जो सिमिलर नेचर में आपने 5 साल में ट्रेन किए हैं। इसके अलावा नॉट ब्लैकलिस्टेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि आपको कहीं से भी फाइनेंशियली या लीगल एक्टिविटी में कोई फ्रॉड का नोटिस ना मिला हो, यह आपको दिखाना होगा।
जैसा आप जानते हैं JSS यानी कि जन शिक्षण संस्थान प्रपोजल निकला हुआ है, उसके लिए जो स्टाफ हायर किया जाने वाला है 1000 नॉन टीचिंग स्टाफ और 10 डायरेक्टर्स को, उनकी ट्रेनिंग के लिए NSDC ने इनवाइट किया है उन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को जिनके पास इसका एक्सपीरियंस है। NSDC के पोर्टल का लिंक हमने दिया है जिस पर जाकर आपको इसको ऑनलाइन भरना होगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में हमने 2 टेंडर निकाले हैं, जिसमें से एक है NSDC का GCC के लिए जो टेंडर निकला था, उसकी लास्ट डेट 27 जनवरी 2023 है। हमने पहले भी बताया था आपको, एक अच्छा टेंडर है, आपके पास भरने के लिए बहुत समय है। आपको इसमें करना क्या है, 25 लाख के टर्नओवर के साथ और 3 साल का आपको RA का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 500 कैंडिडेट्स को आपने प्लेसमेंट दिया हो फॉरन में, खासकर गल्फ कंट्रीज में, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड टेंडर है UP इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है 2 सितंबर 2022 तक। जो लोग इसको नहीं भर पाए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फीस 2360 रुपये है और क्राइटेरिया में सभी संस्थाएं एप्लीकेबल हैं। दोस्तों, द वेकअप इंडिया शो को आप जो प्यार दे पा रहे हैं उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, बहुत समय से डिमांड थी PMKY 4.0 की गाइडलाइंस के बारे में बताइए। दोस्तों, हमने जो वीडियो बनाई है उसमें मेंशन किया है कि गाइडलाइंस कहीं भी किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश नहीं हुई है। हमारे पास भी ये गाइडलाइंस बहुत पहले आ गई थी, लेकिन हम तब तक कोई वीडियो नहीं बनाना चाहते जब तक उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि ना हो जाए। फिर भी आप जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर की, हमारे क्लाइंट्स की डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाई है। आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन सभी टेंडर की जो PDF है उसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी क्राइटेरिया को आप जान सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी आपको होती है आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि द वेकअप इंडिया शो और स्किलिया मार्ट को ऐसे सपोर्ट करते रहे, आपका प्यार, आपके कमेंट, आपके लाइक्स हमें देते रहे। अगले सोमवार फिर से मिलेंगे इसी शो में, तब तक के लिए नमस्कार।